मतलब मैं अपना लैपटॉप पैक कर रहा था और मैंने यहाँ पर, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में भगवान कसम, यहाँ पर एक सांप देखा। मतलब बिल्कुल पतला सा, एकदम पतला सा रेंगता हुआ यूँ जा रहा था। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी मस्त उठ चुके हैं, टाइम हो चुका है 10:30 फिलहाल। अभी मैं ओरियो ना देखो, मैं तो देख रहा हूँ ओरियो, ओरियो नहीं, मम्मी मेरे लिए दूध ली है फिलहाल। बस पीते ही से फिर खाना भी खाना है, तो दूध पीते हैं, नहाते फिर खाना है। मम्मी खाने में क्या बना रहे हो? सैंडविच नहीं खाना मेरे को, नहीं खाने में बताओ। आलू सब्जी रोटी पपीता पनीर काट दो। नहीं, मेरा पेट भर गया इसमें दूध में, पपीता खा लिए लाइक तो ओरियो को खिलाओ थोड़ा, मेरे को पपीता बिल्कुल पसंद नहीं। तो गाइस अभी अपना लंच आ चुका है मस्त एकदम, आलू की सब्जी और रोटी फिलहाल मस्त खाते हैं, और आज तो ओरियो भी ना लिया है। ठीक है क्या तूने? भाई यार समझ नहीं आते, निलाने के बाद भी खुजली जलती है भाई, क्या है रे, कौन से जानवर से लोग काटते हैं? तो अपन अपनी अपना डिनर लंच करते हैं। बस अभी शाम हो चुकी है मस्त एकदम, फिलहाल अभी सो के उठा जाए, पता नहीं क्यों सर दुख रहा है। फिलहाल अभी मम्मी ने अपन को रखे दिए हैं फ्रूट्स, ये मेरे को पसंद है पर ये तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, पर खाना तो पड़ेगा नहीं तो मम्मी है वो। तेरे को ये चाहिए रे? होगा से भी मस्त शेक बनाने के लिए भी आइटम्स लाया हूँ मैं, तो पहले खाते फिर दिखाता हूँ मैं क्या क्या लाया आज रात को मस्त। ये रे, ये ओरियो शेक के लिए, ये किटकैट के लिए, और ये तो हर शेक में डलेगा, और भी है, और आइसक्रीम है, और कुछ नहीं है क्या? और ये पाउडर तो पहले से था, मतलब सब कुछ हो चुका है। ओरियो शेक भी बनेगा और किटकैट शेक भी बनेगा आज रात को मस्त, नहीं दोनों में से एक ही बनेगा, इसको देखेंगे यदि इच्छा हुई तो देंगे 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 देंगे। वैसे भी अपना पराठा आ चुका है मस्त एकदम, इसे खाते कैसा बना है। छवि तेने खा लिया? वही छवि तेने खा लिया? वो ओरियो खा लेता, एक बार फोटोज देखनी पड़ी कैसे इसको हाथ लगाए, मतलब जीबान लगाई है बच्चे की। फाइनली चेक कर लिया फोटेज में, इसकी जीबान नहीं लगी है तो अपन खा सकते हैं, फिलहाल इसे खाते हैं। फिलहाल अभी अपन ने डिनर कर लिया, अभी अपन आ चुके हैं शेक बनाने के लिए, तो सबसे पहले इस किटकैट को इस छोटे वाले में पीस देते हैं। तो गाइस अभी मैं और ओरियो आए छत पर, वो गाइस आज है वो मून, क्या लग रहा है आज है पूर्णिमा, थक गया भाई। ओरियो को दुख खिलाना मतलब बहुत बड़ी बात, बहुत भारी हो रहा है, बहुत भारी हो गया साला। तो मैं बता रहा था आज है पूर्णिमा, और आज मैंने कुछ ऐसा पढ़ा है कि आज थोड़ा और ज़्यादा बड़ा लगेगा मून, पर हाँ नॉर्मली ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। मतलब ऐसे सुनने में मैंने कहीं पढ़ा कि आज थोड़ा और पास में धरती से ही है, तो ऐसा कुछ था मतलब याद नहीं मेरे को, पर हाँ थोड़ा सा बड़ा तो लग रहा है नॉर्मली से। और यहाँ घूम रहे हैं, अब यहाँ पे करते हैं हम नाइट वॉक ओरियोर में, फिर मिलता हूँ सीधा नीचे जाकर और शेक बनाएंगे। क्या हुआ ना, मैं जैसे शेक बनाने लग गया, मम्मी ने कहा कि पहले मैं बर्तन माजूंगी, फिर इसलिए मैं ऊपर आ गया, इसलिए शेक नहीं बनाया, इसलिए थोड़ा सा रह गया। तो गाइस अपन ने अभी शेक बना दिया है, इसमें रख दिया है फ्रीजर में, क्योंकि अपने पास आइस नहीं थी तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा भाई। ये रहा, और ये किटकैट का बूरा इसमें डाल देता ना तो ये पूरा गल जाता था, अच्छा नहीं लगता, इसलिए देखो क्या रख रहा है भाई, ये बहुत ज़्यादा कड़क हो गया है, इतना कड़क तो मैंने सोचा नहीं था। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, अभी तो गर्म ही है, फिर पियेंगे। तो गाइस ये रहा किटकैट शेक, मस्त पीते हैं, इसे कैसा लगता है? अभी बहुत खतरनाक सीन हुआ है, मैं जो कि रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, लिटरली मैं यहाँ पे सो रहा था, मतलब मैं अपना लैपटॉप पैक कर रहा था, और मैंने यहाँ पर, मजाक नहीं कर रहा हूँ सच में भगवान कसम, यहाँ पर एक सांप देखा, मतलब बिल्कुल पतला सा, एकदम पतला सा रेंगता हुआ यूँ जा रहा था। मैं डर के सीधा अंदर वाले कमरे में भागा मम्मी के पास, मम्मी को बताया जितने तो गए, पता नहीं कहाँ गया, फिर उससे सारा सामान उठाया भाई, खत्म उसे बहुत बुरा डर। सोचो ना आप लैपटॉप पैक कर रहे हो, वहाँ पे कुछ रेंगता हुआ, मैंने देखा कि ये क्या रेंग रहा है, देखो तो भाई सांप थोड़ा सा बड़ा था और बिल्कुल पतला भाई, जो डरा हूँ मैं लिटरली, जो डरा हूँ आज सीधा सोना बंद। देखो अभी ये लगा दिया है मस्त भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, असली में ये सब हुआ सब कुछ, देखो वो उठा के रखा है। तो गाइस फाइनली अपनी एडिटिंग हो चुकी है भाई, अभी तक डर नहीं जा रहा है भाई, जो मैंने देखा है मतलब
भाई पता नहीं क्यों, शायद कल तक डर रहेगा, पर भाई वो सोचे अच्छा लग रहा है कि भाई सावन के महीने में एक तरह से माँ काल के दर्शन हो चुके अपने भाई। पर जो डर लगा ना मेरे को यार ब्लॉग करने की, यार मेरे को उसको कुछ नहीं सोचा, बस सोचा कि मतलब कुछ सूझा नहीं, बस सूझा कि मम्मी के पास जाके बताऊँ कि वहाँ पे कुछ है। तो अपन यहाँ से यहाँ पे अपना काम वेटिंग वेटिंग कर रहे थे। फिलहाल गेट वेट लगा हुआ है, गेट इसलिए लगा रहा था क्योंकि यदि वैसे हमने चेक किया वहाँ पे है नहीं, पूरा अच्छे झाड़ू वाड़ू काड़ा कुछ नहीं निकला। और भाई मम्मी है तो मम्मी ने कहा कि अगरबत्ती भी कर दे तो अगरबत्ती भी कर दी। पर भाई इसलिए लगा रहा कि अपन ने कि ओरियो उधर नहीं जाए गेट। भाई स्कूल कैसे गए? हाँ तो यहाँ से भी पैक करते हैं, अपन सोएंगे वहाँ पर, मम्मी ने जगह कर दी है तो अपन सोते हैं। स्लोक एंड करते हैं, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, इसके साथ अपन स्लोक एंड करते हैं। आई होप यू लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।